आखिर ऐसी क्या बात है कि फिल्म 72 हूरे का ट्रेलर लॉन्च होते ही विवादों के घेरे में आ गया है। लोगों की इस पर काफी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वैसे 72 हूरों का ट्रेलर रिलीज से पहले ही विवादों में आ गया था। सेंसर बोर्ड ने इस ट्रेलर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए मनाही दे दी थी, इसीलिए इस ट्रेलर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। और अशोक पंडित जो कि इस फिल्म में को प्रोड्यूसर है, उन्होंने इस पर अपना तर्क भी दिया है। अशोक पंडित का कहना है कि फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इस ट्रेलर में एक कटा हुआ पांव दिखाया गया है। हालांकि ये पांव पूरी तरीके से एनिमेटेड है, ट्रेलर देखने के बाद आपको इसका पता लग जाएगा। अशोक पंडित ने यह भी कहा है कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है तो ट्रेलर को सिनेमा घरों में दिखाने के लेकर किस बात की अड़चन है, और इस मुद्दे को वो CBFC के पास भी लेकर जाएंगे। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद ही ट्रेलर पर विवाद गर्मा गया है। इंटरनेट पर जैसे ही ये ट्रेलर आया तो इस ट्रेलर को लेकर तमाम अलग अलग राय आ रही है। इस ट्रेलर और इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, तो वहीं कई लोग हैं जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो शुरुआत में दिखाया जाएगा कि एक दाढ़ी वाला आदमी नौजवानों को 72 हूरों के बारे में कह रहा है। वो उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए मजबूर कर रहा है और उन्हें ये कह रहा है कि मरने के बाद उन्हें जन्नत नसीब होगी, उन्हें जन्नत में 32 हूरे नसीब होगी। इस बात का लालच दिया जाता है और उन्हें एक सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है। फिल्म के ट्रेलर में ये बताने की कोशिश भी की गई है कि ये जो कहानी है वो पूरी तरीके से ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। ट्रेलर में पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। एक्टिंग की बात की जाए तो दोनों की एक्टिंग काफी दमदार नजर आ रही है। हालांकि ट्रेलर को देख के आपको साफ लगेगा कि फिल्म काफी लो बजट है। ट्रेलर में फिल्म के ग्राफिक्स और एनिमेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पर बारीकी से किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं कि फिल्म की कहानी में थोड़ा दम होगा, क्योंकि हाल ही में हम देख चुके हैं कि फिल्म द केरला स्टोरी की प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी खास नहीं थी, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी और दर्शकों ने उसे बहुत प्यार दिया। फिल्म की कहानी के बात करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस बात को साफ किया है कि ये फिल्म किसी भी इंसान या किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवादियों पर बेस्ड है। तो इसलिए इस फिल्म को लेकर किसी भी तरीके का धर्म से संबंधित विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि क्या ये फिल्म भी एक तरीके का प्रोपोगंडा है, तो अशोक पंडित ने रिपोर्टर को करारा जवाब देते हुए कहा कि किसी के भी काम को प्रोपोगंडा नहीं कहना चाहिए, हम आर्टिस्ट हैं, राजनेता नहीं। वैसे तो बॉलीवुड में फिल्म के आने पर उस पर कंट्रोवर्सी होना बहुत ही आम बात है, लेकिन 72 हूरों के ट्रेलर के आते ही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी शायद किसी ने नहीं सोचा था। वेल, आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान ने, और ये फिल्म 7 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वेल, आपका इस फिल्म के ट्रेलर और इस फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर क्या ओपिनियन है, हमसे शेयर जरूर करें।